एक पेंटर के तौर पर जब मैं कभी अपने पेंटिंग्स को देखता हूँ, महसूस करता हूँ, तो मैं सामान्य तौर पर ये मानकर चलता हूँ कि पेंटिंग केवल बनाने की बात नहीं है, सोचने की बात है, समझने की बात है। जितने भी हमारे मन के अंदर जितने भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, शायद वो ऐसे भाव हैं जिनको कभी भी तरह तरह से लोगों ने व्याख्यित किया होगा, उनको एक्सप्रेस किया होगा, उनको समझने की कोशिश जिस तरह से की होगी। तो जो पेंटिंग मैं बनाता हूँ उसके पीछे जो विषय होते हैं वो मेरे अनकॉन्शियसली, मतलब अनकॉन्शियस जो मेरा अंदर है, उस अनकॉन्शियस में जो चीज़ें जिस तरीके से अपने आप को प्रखर कर सकती हैं, अपने आप को बाहर ला कर के अपने आप को चमत्कृत कर सकती हैं, कुछ नया अनुभव से गुजरने के लिए हमें अभ्यास करने का एक समय देती हैं, वैसे मैं पेंटिंग्स को मैं मानता हूँ। और उनके अंदर जिस तरीके, जैसे पेंटिंग का मतलब ये है कि कुछ नया करना, अपने अनुभव से नया गुजर जाना, कुछ प्रस्पेक्टिव, जैसे हम प्रस्पेक्टिव की बात करते हैं पेंटिंग में, कलर्स की बात करते हैं, उसको एक नए अंदाज में, एक नए शब्दों में, नए विचारों में देखने की कोशिश करते हैं। तो वो लगभग लगभग ऐसा है जैसे कि एक जीवन की शाश्वत यात्रा। और मैं आप सब लोगों से बड़ा ही आनंदित हूँ कि आप सब लोग इतना स्नेह और प्रेम मुझे करते हैं, और इसके लिए मेरा आपको बहुत बहुत नमन है, और आपके जो आनंद है उसके लिए मेरा भी स्वत, क्योंकि आनंद में ही आनंद निहित होता है। तो मेरी बहुत ढेरों शुभकामनाएं आप लोगों को।